Hello everyone, my name is Shahid and today we are going to discuss about library softwares. Okay, जैसे कि library softwares के बारे में आपने बहुत सुना है और library softwares होते हैं वो different different libraries में use किया जाता है management को handle करने के लिए. Libraries में जो भी acquisition है, circulation है और किस borrower ने कौन सी book को borrow किया है, तो ये सारी activities हैं libraries की. तो इन सबको हम manage करने के लिए library software को use करते हैं. या फिर हम बात करें कि libraries को digital कैसे बनाया जाए. okay, तो libraries की सारी activities को, library की process को digitalize करने के लिए हम use करते हैं library softwares का. तो library softwares में बहुत सारे softwares हैं libraries के लिए use करने के लिए, लेकिन आज हम जो discuss करने जा रहे हैं वो पहला जो software है हमारा वो है Koha software. ओके, कोहा एक बहुत ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है. स्पेशल लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज और साथ में पब्लिक लाइब्रेरीज में भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है. इसके थ्रू हम बहुत सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है जो भी लाइब्रेरीज में एक्टिविटीज होती है. और ये एक मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है. मल्टी लैंग्वेज मीन्स कई सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है. अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में इसको यूज कर सकता है, और कोई इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है इसको इंग्लिश में यूज किया जा सकता है. इसी तरह से अलग अलग जो लैंग्वेज में जो भी कंफर्टेबल है वो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. तो जो कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हुए हैं और मैं वन बाई वन उनको एक्सप्लेन करूंगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो Koha सॉफ्टवेयर होता है उसका जो लोगो है वो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा. जब भी आपको ये लोगो दिखाई दे तो आप समझ जाओ कि वो Koha सॉफ्टवेयर है और Koha सॉफ्टवेयर की बात हो रही है. या कभी कभी जनरली कोई एग्जाम में अगर पूछ ले या किसी इंटरव्यू में, NVS का अगर कोई इंटरव्यू है, KVS का इंटरव्यू है, तो जनरली कोई आपसे पूछ ले कि ये लोगो किस सॉफ्टवेयर का है, तो आप वहां पर आंसर कर सकते हैं कि ये Koha का लोगो है. अब ये लोगो क्या होता है? लोगो कोई सिंबल होता है जो कि किसी प्रोडक्ट या फिर किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है Koha सॉफ्टवेयर को, जो कि एक प्रोडक्ट भी है और प्रोजेक्ट भी है. प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट दोनों है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से है. तो ये यहाँ पर बात हो गई Koha के लोगों के बारे में, इसके सिंबल के बारे में. तो सेकेंड जो चीज है इसका नाम है Koha. अब ये Koha नाम इसका क्यों रखा गया? ये एक्चुअली में क्या है, न्यूजीलैंड का एक सॉफ्टवेयर है. तो न्यूजीलैंड का जो सॉफ्टवेयर है वहां पर एक जगह है और वहां पर एक जगह पे एक माओरी लोग रहते हैं. माओरी लैंग्वेज को यूज करते हैं वो, माओरी लैंग्वेज को यूज करते हैं. मैं आपको लिख के बताता हूँ इसको. न्यूजीलैंड में एक जगह है माओरी. ओके, तो यू वहां के जो लोग हैं वो माओरी टर्म्स, माओरी लैंग्वेज यूज करते हैं. तो माओरी लैंग्वेज में जो Koha का मीन्स होता है, जो इसका मीन्स है Koha का, वो होता है कोई गिफ्ट. ओके, कोई गिफ्ट या फिर कोई डोनेशन. और कोई गिफ्ट या फिर कोई डोनेशन. ओके, तो Koha क्या एक माओरी टर्म है जिसका मीन्स होता है गिफ्ट या फिर डोनेशन. कोई गिफ्ट मीन्स कोई उपहार या फिर कोई डोनेशन. ओके, कोई इसका मीन्स होता है. ओके, अगर हम बात करें, तीसरी बात करें वो है जैसे कि लिखा है फ्री लाइब्रेरी सिस्टम. ओके, जैसे लिखा है फ्री लाइब्रेरी सिस्टम मीन्स ये क्या है, ये Koha सॉफ्टवेयर की टैगलाइन है. ओके, जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर लिखा होगा, इस तरह से Koha का कोई नाम लिखा होगा, तो वहां पर आपने ये लिखा होगा फ्री लाइब्रेरी सिस्टम. तो आप समझ जाओ ये क्या है. ये है इसकी, इसका जो लोगो है, सिंबल है इसका, लोगो है ये Koha, इसका नाम है और कहां से लिया ये मैंने आपको बता दिया. और जो इसकी फ्री लाइब्रेरी सिस्टम ये क्या है, टैगलाइन है इसकी, पंचलाइन है टैगलाइन. ओके, तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू हुआ Koha का. और ये वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर था जो कि फ्री और ओपन सोर्स था. ओके, ओपन सोर्स जहां पर टर्म यूज हो रही है आप देख रहे हैं ओपन सोर्स, इसको मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. तो ये क्या है, वर्ल्ड का पहला फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था. ओके, और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है मार्केट में जो अवेलेबल है ऑनलाइन, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं. तो लेटेस्ट वर्जन है वो 19.05 है. ओके, अब जो Koha के बारे में हम बात करें, तो जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने लिखा है जैसा कि बोर्ड पे लिखा होगा, Koha इज अ प्रोजेक्ट एंड अ प्रोडक्ट, जैसे कि अभी मैंने बोला था. ओके, तो Koha को क्या बोला गया, प्रोजेक्ट भी बोला गया है, प्रोडक्ट भी बोला गया है. ओके, तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, तो Koha क्या है, प्रोडक्ट मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोडक्ट है.
जनरल इसके यूज है एज अ प्रोडक्ट, इसको एज अ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जब कोहा सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, इसको इनिशिएट किया गया, उस टाइम पे एज इसको प्रोजेक्ट यूज किया गया था। प्रोजेक्ट मीन्स होता है कि डे बाई डे जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंडिविजुअल है, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वॉल्व हो सके। ओके, तो इसको एज अ प्रोजेक्ट यूज किया गया, जिससे क्या है डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, तो आज के टाइम पे इसमें बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके मतलब इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको इसमें वर्क कर रहे हैं, एज अ प्रोजेक्ट इसको लिया जा रहा है। ओके, और इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी कि इसको ओपन सोर्स रखा गया, ओके, जो कि हमारी सेकंड टर्म है। कोहा क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, ओपन सोर्स का मींस देखो आप समझोगे यहाँ पर, ओपन सोर्स मींस जो दो चीजें हैं यहाँ पर, पहली चीज है ओपन, देन सेकंड चीज है सोर्स। ओके, तो जो सोर्स, सोर्स का मींस होता है कोई कोड, कोई कोड होता है, सोर्स का मींस होता है कोई कोड। ओके, सोर्स का मीन्स होता है कोई कोडिंग, जैसे कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। ओके, उन प्रोग्राम्स को हम कनेक्ट करते हैं और फिर हमारे जाके क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है। ओके, तो बात होगी एक प्रोग्राम बनाने की, तो प्रोग्राम हम किस में बनाएंगे, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल लैंग्वेज की जरूरत होगी। ओके, तो उसी तरह से कोडिंग करते हैं हम इसकी, किसी प्रोग्राम की हम कोडिंग करते हैं, तो जो कोड होता है उसको एक्चुअल में सोर्स बोला जाता है, टेक्निकल टर्म है, तो उसको सोर्स बोला जाता है, या हम सोर्स कोड भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, कि किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड क्या है, तो इसी तरह से ये सोर्स है। अब इस सोर्स को ओपन रखा गया है, इस सोर्स को रखा गया है ओपन। ओके, इस सोर्स को ओपन क्यों रखा गया है, जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट है, मीन्स इसके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कभी इसमें किसी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, किसी फीचर्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट हो इसमें, तो इन फ्यूचर इसके अंदर उस फीचर्स को ऐड किया जा सके। ओके, तो अगर ये ओपन सोर्स नहीं होगा तो इसमें हम एडिटेशन नहीं कर सकते, इसमें किसी फीचर्स को ऐड नहीं कर सकते, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसको ओपन सोर्स रखा गया है, और ओपन सोर्स मींस होता है कि आप इसको इजीली एडिट कर सकते हैं, और आपको जनरली ये पता होगा कि ओपन सोर्स का मींस होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, बट ओपन सोर्स का मींस जो होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो उसका सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है, एडिटेबल होता है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको एडिट कर सकते हैं। सपोज करो अगर इसकी कोडिंग किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में हुई होती है, अगर मान लो सपोज सी लैंग्वेज में ही होती, तो सी लैंग्वेज को कोई डेवलपर है, अगर सी लैंग्वेज आपको आती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, उसके किसी कंपाइलर पे ले जाके, ओके, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको रन करा सकते हैं, इसी तरह से उसकी कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बात होगी ओपन सोर्स की। सेकंड चीज है, जैसे बोला मैंने कोहा इज एन ओपन सोर्स, ओके, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ओके, तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम भी है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ILS को कभी कभी हम LMS भी बोल सकते हैं। ओके, LMS, LMS मींस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बोला, यहाँ बात हो रही है मैनेजमेंट की। ओके, बात हो रही है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मींस क्या होता है, सपोज कोई कोई घर है, कोई उसमें कोई फंक्शन है, हमारे घर में कोई जनरली फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज का हम टाइम फिक्स कर देते हैं। ओके, कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, इसी तरह से हर एक एक्टिविटी का टाइम फिक्स होता है। क्लियर, तो अब क्या करते हैं, बाद में उन सारी एक्टिविटीज को हम वन बाई वन परफॉर्म करते हैं, लाइक वन है, टू है, थ्री है, ये सारी एक्टिविटीज का टाइम फिक्स कर दिया, तो हम वन बाई वन इन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो इन एक्टिविटीज के जो फ्लो हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ओके, तो उसी तरह से लाइब्रेरी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट क्या करेंगे, लाइक हम सर्कुलेशन को मैनेज करेंगे, हम कैटलॉगिंग को मैनेज करेंगे। ओके, और यूजर्स ने कौन कौन से बुक्स को बोरो किया है, ओके, किस यूजर ने कौन सी बुक को रिटर्न किया है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इनको हम कोहा के थ्रू मैनेज करते हैं, मींस एक मैनेजमेंट है। और क्योंकि ये लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट हो रहा है, इसे हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट बोला, और ये सारी मिला के क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। ओके, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जो लाइब्रेरी के अंदर मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब मिला के एक सिस्टम बनता है, इसलिए हमने इसको बोला लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये क्या है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ये दोनों ही चीज लगभग सेम है, कभी कभी हम इसको IRS भी बोलते हैं, कभी कभी हम इसको LMS भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये शॉर्ट फॉर्म में आप एक बार याद रखिए कि भी कुछ एग्जाम्स, कुछ छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, ठीक है,
उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं. लाइक उन्होंने पूछना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INS, या फिर उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMS. तो आपको पता होना चाहिए LMS stands for Library Management System and INS stands for Integrated Library System. Okay, तो Integrated Library System का means क्या होता है कि ये जो system है, means जो management system है, वो library में एक तरह से integrated रहता है, means एक तरह से inbuilt रहता है. Okay, means management में attached रह के उस management को manage करता है. इस तरह से इसको integrated बोला गया. Okay. बात करते हैं कि विद अ SQL डेटाबेस. ओके, बात हो जाती है डेटाबेस की. अब डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी सॉफ्टवेयर है, ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए. ओके, हमारे पास में बहुत सारा डेटा है. पहले के टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं होते थे. पहले के टाइम पे जो लाइब्रेरीज थी वो डिजिटल नहीं थी. ओके, जब डिजिटल नहीं थी तो हम जो डेटा को मैनेज करने के लिए रजिस्टर थे यूज करते थे, या फिर पेपर वर्क करते थे. तो पेपर को मैनेज करके रखना, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करके रखना, ये काफी मुश्किल होता जा रहा था. ओके, तो इस प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करने के लिए बात आई डिजिटल करने के लिए, कि लाइब्रेरी को डिजिटल किया जाए. और हमने अपने डेटा को क्या किया, ऑनलाइन कर दिया, या फिर डिजिटल फॉर्म में हम इसको यूज करने लगे, या फिर कहें कि इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करने लगे. ओके, तो बात आई डेटाबेस की. तो जिस तरह से हम अलमारीज में, ओके, जो लाइब्रेरीज में अलमारी थी वहां पर हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है डेटाबेस का. किसी डेटा को सेव करके रखना, किसी डेटा को स्टोर करके रखना, जिससे कि वो फर्दर हमारे काम आ सके. जब भी हमारे काम आएगा हम उसको रिट्रीव करेंगे. कहाँ से? डेटाबेस से, सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस से हम उसको रिट्रीव करेंगे उस डेटा को, और हम उसको यूज में ले सकते हैं उस डेटा को. ओके, तो देखो डेटाबेस को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, डेप्थ में बता रहा हूँ. डेटाबेस में देखो दो टर्म है. पहली चीज है डेटा, एंड सेकेंड चीज है वो है बेस. ओके, फर्स्ट चीज डेटा, एंड सेकेंड चीज है बेस. तो डेटा मींस डेटा कोई भी डेटा हो सकता है. ओके, जो प्रोसेस नहीं हुआ है, मींस रॉ फैक्ट्स है, डेटा है, उसका कोई मींस नहीं है. और सेकंड जो चीज है बेस है, मींस वो डेटा किस बेस पे सेव हो रहा है. ओके, जैसे सपोज हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको नहीं पता कि किस टाइप का डेटा है वो कंप्यूटर उसको एज ए इनपुट ले रहा है, और उसको कहाँ सेव करना है. तो इसको बनाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को ईजी करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ी. ओके, तो डेटाबेस का मींस होता है कि लाइक हमने कोई न्यूमेरिक डेटा डाला, कोई न्यूमेरिक डेटा तो न्यूमेरिक फील्ड में जाके सेव होगा. कोई अल्फाबेटिकल डेटा है, अल्फाबेटिकल डेटा है कोई, तो उसको अल्फाबेटिकल कोई फील्ड जनरेट होगी, उसमें उसको सेव करना है. ओके, और कुछ स्पेशल सिम्बल्स हैं तो उसको इस तरह से की अलग से सेपरेट फील्ड होगी, उसको वहां पर सेव करना है. तो इसी तरह से एक टेबुलर फॉर्म में डेटा पर्टिकुलर अपने अपने जो प्लेसेस होते हैं, जो ऑक्यूपाइड मेमोरीज हैं, उनमें जाके सेव होता है. तो डेटा एक वेल मैनेज्ड में मैनेज रहता है. इससे एग्जांपल की बात करें, जैसे सपोज करो आपके कोई लॉगिन आईडी या पासवर्ड हम जनरली डालते हैं, अगर हम एडमिन है या फिर यूजर है. तो आप, अगर आप यूजर हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड आप यूज करोगे, एडमिन है तो एडमिन आईडी और पासवर्ड आप यूज करोगे. ओके, तो आपके पास जनरली दो चीजें होती हैं. आपके पास एक लॉगिन आईडी होती है और उसका पासवर्ड होता है. ओके, सपोज आपकी लॉगिन आईडी, सपोज आपका नेम है ABCD या फिर कुछ और आपका नेम हो सकता है, और पासवर्ड आपका जो भी है, जो भी स्टार मैंने आपको लगा रखा है. तो यहाँ पर कोई सिंबल्स यूज हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, और न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, और यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर के फॉर्म में आपका जो नेम होगा. ओके, तो डेटाबेस क्या करता है, इन सारी फील्ड्स को अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखता है. ओके, एक टेबुलर फॉर्म में. ओके, तो ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है. तो कोहा क्या कर रहा है, कोहा क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ओपन सोर्स क्या होता है. ओके, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है. ओके, जिसको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, विद SQL डेटाबेस, SQL डेटाबेस के साथ में. मींस इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो डेटाबेस होना चाहिए वो SQL डेटाबेस होना चाहिए. मींस जो SQL डेटाबेस, और SQL डेटाबेस में भी कौन सा, MySQL को प्रीफर किया गया है. ओके, अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोहा में कौन सा डेटाबेस यूज किया जाता है, अगर ऑप्शन में आपको SQL या फिर MySQL मिल रहा है, तो आपके ऑप्शंस ये करेक्ट है. ओके, SQL या फिर MySQL, ये नाम है डेटाबेस का, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको, जो मार्केट में अवेलेबल है. ओके, तो ये डेटाबेस की बात होगी. और जो अगर हम थर्ड बात करें, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, कोहा वॉज क्रिएटेड इन 1989. मीन्स कोहा कब बना, इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट है. मीन्स इसको कब बनाया गया, कब डिजाइन किया गया. तो जनरली हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोहा को बनाया गया वो 2000 में बनाया गया है. एक्चुअल में 2000 में ही बना है, जो क्रिएट हुआ है वो 1999 में हुआ है. वाई करके वो कम्युनिकेशन, ये
कंपनी है ओके एक कंपनी थी, इसने इसको कोड किया, इसको बनाया, इसकी कोडिंग की, किसके लिए बनाया था? एक ट्रस्ट था जिसका नाम था होरो वेन्युआ, इसका नाम था होरो वेन्युआ ट्रस्ट था, जिसके लिए कटिबो कम्युनिकेशन ने 1999 में इसको क्रिएट किया था ओके और ये सब कुछ कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था ओके मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ क्लियर। तो ये सब कहां पर हुआ था? न्यूजीलैंड में। तो कोहा बेसिकली कहां का सॉफ्टवेयर है? न्यूजीलैंड का ओके न्यूजीलैंड का सॉफ्टवेयर है। इसको क्रिएट कब किया गया था? 1999 में। किसने क्रिएट किया था? कटिबो कम्युनिकेशन ने ओके किसके लिए क्रिएट किया था? दैट इज होरो वेन्युआ ट्रस्ट के लिए ओके। यहाँ से चीज क्लियर है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करते हैं, अब जो 2000 हम जो रटते हैं वो ये है कि फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ था ओके, फर्स्ट इंस्टॉलेशन वाज लाइव इन जनवरी 2000 ओके। तो इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ था मींस पहले को सॉफ्टवेयर को बनाया गया, उसकी कोडिंग की गई, जब सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, उसके बाद में बात है इसकी इंस्टॉलेशन की, मींस सिस्टम इंस्टॉलेशन, मींस उसको सिस्टम पे यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट सिस्टम जो इंस्टॉलेशन हुआ था इसका, वो कब हुआ था? जनवरी 2000 में ओके। मींस फर्स्ट टाइम पे इसको यूज किया गया था। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, मींस जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, उसको लिखने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत होती है ओके। तो जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? इसको वो पर लैंग्वेज है ओके, PERL पर लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कोहा के प्रोग्राम्स को लिखा गया, उनको राइट किया गया प्रोग्राम्स को ओके। तो अगर कोई जनरली से क्वेश्चन पूछ ले किसी एग्जाम्स में कि कोहा की जो कोडिंग है या कोहा को किस लैंग्वेज में लिखा गया है, या फिर इसकी कोडिंग है, इसका सोर्स कोड है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो हमारा जो सिंपल सा आंसर है कि पर लैंग्वेज में इसको लिखा गया। और अगर एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो कोहा है वो इनिशियली, मतलब जब इसको डेवलप किया गया था, तो उस टाइम भी किसके लिए कंपैटिबल था, और जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है वो किसके साथ में है? तो एक जो ओएस है वो लाइनेक्स नाम से, एक ओएस आपको पता ही होगा, तो लाइनेक्स क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मींस कोहा के लिए प्रीफर्ड किया गया कि आप लाइनेक्स पे इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि लाइन जो कोहा है वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है, मींस अगर आपके पास विंडोज है तो आज के टाइम पे आप इसको विंडोज पे भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास मैक है तो मैक पे भी इजीली वर्क करेगा ओके। बट एक बात करें कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो लाइनेक्स है। किसी पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो सबसे अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस है कोहा की वो किस प्लेटफॉर्म पे है, तो हम कह सकते हैं कि लाइनेक्स पे है ओके। बाकी ये मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वर्क करता है इजीली ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डेटाबेस की, जैसे कि हमने बात करी थी, तो इसमें जो पॉइंट्स है वो कैटलॉगिंग डेटा है, जैसा कि कोई डेटा है तो उसको सेव करने के लिए हम MySQL यूज कर ही रहे हैं। और हम बात करें कैटलॉगिंग डेटा की ओके, कैटलॉगिंग डेटा की अगर हम बात करें तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली यूज किया है मार्क को, जैसे कि मार्क क्यों है? मशीन रीडेबल कैटलॉग। अब यहाँ पर मशीन रीडेबल कैटलॉग को क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये बात हो रही है यहाँ पर डिजिटल फॉर्म की, एक वर्चुअल फॉर्म की ओके, एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर मार्क को यूज किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमने कैटलॉग कार्ड यूज क्यों नहीं किया, कैटलॉग कार्ड क्योंकि एक फिजिकल फॉर्म है ओके। जब वो सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करते थे लाइब्रेरी के अंदर, तो हम एक फिजिकल फॉर्म यूज करते थे, कोई कार्ड बना के उसको कैटलॉग कार्ड बना लिया, उसमें इंफॉर्मेशन होती थी बुक्स की ओके। बट यहाँ पर यूज किया गया एक मशीन रीडेबल कैटलॉग की ओके। तो कैटलॉगिंग कोड, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोहा में जो कैटलॉगिंग डेटा है उसको यूज करने के लिए कौन से कोड की जरूरत होती है, किस तरह से वो सेव होता है या किसमें सेव होता है? तो हम यहाँ पे जो कैटलॉगिंग कोड है उसको, कैटलॉगिंग डेटा है उसको सेव किया जाता है मार्क में, मशीन रीडेबल कैटलॉग में सेव किया जाता है ओके। और जो लास्ट में मैं इस टॉपिक के लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं ओके, मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें कोहा के जो मॉड्यूल्स हैं ओके, कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, किस तरह के हम वर्क कर सकते हैं इसमें, तो इसमें टोटल जो 8 मॉड्यूल्स होते हैं ओके, टोटल जो मॉड्यूल्स हैं उसमें 8 मॉड्यूल्स होते हैं, जैसा कि आपको दे रखा है बोर्ड पे। तो जो पहला मॉड्यूल्स है ओपेक है, ओपेक इसमें हम इजीली कर सकते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसको मैनेज कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा फुल कैटलॉग जो प्रोवाइड कराता है हमारा कोहा। थर्ड है सर्कुलेशन की प्रोसेस को हम इजीली कर सकते हैं, सीरियल्स को मैनेज कर सकते हैं,
एक्विजिशन हम भी कर सकते हैं और पैट्रॉन मैनेजमेंट, पैट्रॉन मैनेजमेंट मीन्स होता है यूजर मैनेजमेंट, ओके मीन्स कौन कौन से पाठक हमारे लाइब्रेरी में आ रहे हैं और कौन सी बुक को बॉरो किया है, किस बुक किस यूजर ने कौन सी बुक को रिटर्न किया है, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसको बोला जाता है पैटर्न मैनेजमेंट नाम से एक मॉड्यूल अवेलेबल रहता है कोहा के अंदर, ओके तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यूजर मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट जो है वो ब्रांच मैनेजमेंट है, मींस कोई लाइब्रेरी की ब्रांच वगैरह है उसको इससे कनेक्ट किया जा सकता है, मींस एक तरह से ये यूनियन कैटलॉग भी प्रोवाइड कराता है। और लास्ट वाला जो है वो रिजर्वेशन है, किसी यूजर के रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन मतलब कोई यूजर है कोई बुक को रिजर्व कर सकता है, इस तरह से ये इसके मॉड्यूल्स हैं, इस तरह से ये 8 मॉड्यूल्स को प्रोवाइड कराता है, 8 फैसिलिटीज हमारी प्रोवाइड कराता है। इसलिए मैंने बोला कि कोहा क्या है, एक मल्टीपर्पज सॉफ्टवेयर है, ओके तो काफी अभी इसमें बाकी है, मैं पार्ट 2 में आपको डिस्कस करूंगा, ये मेरा पार्ट 1 है और मैंने काफी चीज को कवर करने की और आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो भी आपको जो टर्म्स हैं जो बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग, अगर आपको किसी में कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से, ओके तो ये आज की क्लास है कोहा की और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।